नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कैड सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नकल जॉइंट को ऑटो कैड के अंदर बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ऑटो कैड को स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों, हमें 3D में बनाना है। इसके लिए हम यहाँ से ड्राफ्टिंग है एनोटेशन बटन पर क्लिक करेंगे और 3D मॉडलिंग चूज कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इस वर्क स्पेस में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं एंड ये हमारे 3D के कमांड हैं जिनकी सहायता से हम नकल जॉइंट को आज बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ड्राइंग को देखेंगे। ये हमारा पूरा नकल जॉइंट है। इसे अगर हम देखें तो फॉर्क इंड बोलते हैं और इसे आई इंड एंड नकल पिन और ये हमारा जो है कॉलर एंड ये हमारा टेपर पिन है। अब हम इसका डायमेंशन देखेंगे, 2D स्केच देखेंगे दोस्तों। तो पहले हम इस वाले ड्राइंग को बनाएंगे, इसका जो हमें टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो दोस्तों, इसके हम फ्रंट फेस को बनाएंगे तो इसका हमें जो ये डायमेंशन है 20 mm है एंड इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो इस पॉइंट से इस आर की सेंटर पॉइंट है और इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो 30 और 25 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 दिया है तो दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 mm है तो 100 में 25 हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा 125 mm हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाली हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो देखें तो हम 100 में 30 माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा 70 mm वो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ से डायमेंशन बार बार नहीं देखेंगे तो आप ड्राइंग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बेसिक आप देखकर ड्राइंग को बनाइए। तो हम पहले फ्रंट व्यू बना रहे हैं इसलिए यहाँ से दोस्तों टॉप की जगह हम फ्रंट व्यू कर लेंगे इस टाइप से। एंड दोस्तों, हम दो सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस दिया हुआ है 35 mm और एक सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है 15 mm। तो सबसे पहले मैं 15 mm की एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको अगर कमांड को रिपीट करना है तो आप इंटरप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब दोबारा से सर्किल ही ड्रॉ करना है उसके लिए मैं इंटरप्रेस कर दूंगा तो आप सर्किल कमांड पे आ जाएंगे एंड सेम सेंटर पॉइंट से हम 35 रेडियस पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अर्थ मोड को ऑन कर लीजिए यहाँ से एंड एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड दोस्तों, इसे ऊपर की ओर हम 15 mm में ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट करने के लिए वो इंटर कीजिए और डिस्टेंस डाल दीजिए ऊपर की ओर 15 mm में और नीचे की ओर 15 mm एंड इसे हम इस साइड पे 70 mm डालकर ऑफसेट कर लेंगे। एंड यहाँ से ट्रिम लेंगे दोस्तों और हम जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे 55 mm पे। एंड नीचे को 20 mm एंड इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए। अगेन लाइन इंटर कीजिए और इस पॉइंट से 55 mm नीचे की ओर 20 mm और इस साइड से भी 55 mm। हमने ये ड्रॉ कर लिया है। एंड दोस्तों, यह फिंडर कीजिए और यहां से रेडियस 25 डालकर इंटर कर लीजिए और मल्टीपल पे क्लिक कर लीजिए
इस वाली लाइन और इसे यहाँ पे हम 25 mm में फिट कर लेंगे। तो ये हमारा दोस्तों जो फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब मैं ड्राइंग को अगर देखता हूँ तो अब मुझे बनाना है टॉप व्यू। तो अब इसमें देखेंगे जो हमें अंदर की सर्कल की जो डायमीटर दी हुई 25 mm और बाहर वाली सर्कल की जो रेडियस दी हुई है 25 mm। तो और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 100 mm। एंड दोस्तों ये हमारा 30 mm है, तो 15 ऊपर की ओर ऑफसेट किया था हमने और नीचे की ओर भी 15 mm पे ऑफसेट किया था। चलिए हम ये वाले ड्राइंग को बना लेते हैं। अब दोस्तों हम ड्राइंग का टॉप व्यू बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से फ्रंट की जगह हम टॉप ले लेंगे और इसे जूम आउट कर लीजिए। एंड इस साइड पे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो हम पहले दो सर्किल बनाएंगे दोस्तों, जिसकी एक की रेडियस है 25। तो मैं 25 रेडियस एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक हमारा डायमीटर पे दिया है जिसकी डायमीटर है 25 mm। तो यहाँ से हम सर्किल लिया और सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। एंड दोस्तों अब हमें डायमीटर पे डायमेंशन डालना है, तो डी इंटर करेंगे और 25 डालकर इंटर कर देंगे। हम सेम दोस्तों एक वर्टिकल एंड एक ओरिजेंटल रेफरेंस लाइन लेंगे। ये हमने ले लिया। एंड ओ इंटर कीजिए आप और 15 डालकर इंटर कर लीजिए। एंड इसे ऊपर की ओर 15 mm पे, नीचे की ओर 15 mm पे और इस वाले लाइन को मैं अब की बार 100 mm पे इस साइड पे ऑफसेट करूँगा। एंड यहाँ से हम ट्रिम कमांड लेंगे दोस्तों, और जो लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं उसे हम ट्रिम कर लेंगे। इस टाइप से कुछ, और इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। एंड फ्लिट कमांड लेंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे रेडियस डालेंगे 25 mm डालकर इंटर कर लेंगे। एंड मल्टीपल पे क्लिक कर लीजिए और इनके और इसके बीच में हम 25 mm पे हम फिट कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से टॉप की जगह एच डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर लेंगे। एंड इसे हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जे इंटर करेंगे और तो हमारा ये लाइन जो है आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। सेम इस पे जे इंटर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से हम प्रेस पुल कमांड लेंगे और इस वाले भाग को हम प्रेस पुल कर लेंगे। इसे हम कर लेंगे 100 mm पे और इसे भी हम ऊपर की ओर 100 mm पे एंड इंटर प्रेस करेंगे। एंड विजुअल स्टाइल पे यहाँ से आप शेड्स ऑफ ग्रे कर लीजिए दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं मूव करूँगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड माउस से राइट क्लिक कीजिए और मूव पे क्लिक कर लीजिए। और इसे मैं इस पॉइंट से मूव करूंगा और इस लाइन की सेंटर पॉइंट पे मूव कर देंगे। एंड दोस्तों मैं इसे 2D स्केच को मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कमांड दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए एंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए एंड इंटर प्रेस कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं आपका ड्राइंग कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंड यहाँ से 3D मूव पे क्लिक कीजिए और से यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। एंड 2D स्केच को हम इरेज कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे ये वाला फॉर के एंड बन चुका है एंड आई एंड को हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमारा आई एंड का जो फ्रंट व्यू है वो ये है एंड टॉप व्यू है वो हमारा ये है। तो मैं पहले टॉप व्यू का स्केच बना लूंगा। तो इसमें अगर हम इनर सर्किल का डायमीटर 25 mm दिए हुए और आउटर सर्किल का जो डायमीटर दिया है 15 mm दिया हुआ है। और अब दोस्तों इसका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 80 mm होगी। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं।
हम टॉप व्यू पे बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम टॉप व्यू को चूज कर लेंगे। एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे 25 रेडियस पे और एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे 12.50 mm की रेडियस पे। अब दोस्तों एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड इस वाले लाइन को ऑफसेट कर लेंगे 80 mm पे। और 15 नीचे ऊपर की ओर एंड नीचे की ओर ऑफसेट कर लेंगे। एंड यहां से फ्लिट कमांड दीजिए और रेडियस डाल दीजिए 25 mm एंड मल्टीपल पे क्लिक कर लीजिए। एंड ट्रिम कमांड लीजिए। अगेन लाइन सेलेक्ट कीजिए और इरेज कर दीजिए। अब दोस्तों यहां से हम SW आइसोमेट्रिक व्यू चूज कर लेंगे और इसे हम प्रेस पुल करेंगे ओनली 30 mm पे। इसे हम 30 mm पे प्रेस पुल कर लेते हैं। एंड दोस्तों हम इस वाले पोर्शन को बनाएंगे तो जो हमारा ये डिस्टेंस वो हमें दिया नहीं है एंड ये वाला जो डिस्टेंस 25 mm डायमीटर पे दिया है, यानी कि हमें सर्किल ड्रॉ करना है यानी अपने डिस्टेंस के अनुसार इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे। सेम इस पे भी हमें वही प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑर्बिट कर लेता हूँ और एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों मिड पॉइंट से ऊपर की ओर 15 mm पे एंड एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ से सर्किल कमांड लेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों UCS यहाँ से डायनेमिक UCS को ऑन करके रखिए। एंड 12.5 एंटर कर दीजिए और इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे दोस्तों 30 mm पे इंटर। अब दोस्तों हम ऑर्बिट कर लेंगे इस टाइप से कुछ एंड एग्जिट हो जाएंगे और लाइन कमांड लीजिए और इसके आप सेंटर पॉइंट से जूम कर लीजिए इस टाइप से आप तो बेहतर होगा। 15 mm डालकर एंटर कर दीजिए और सेम लाइन की एंड पॉइंट से आप डी एंटर कीजिए एंड 25 डालकर एंटर कर दीजिए और इसे आप प्रेस पुल कर लीजिए 30 mm पे। ये देख सकते हैं बन गया। अब अगर हम ड्राइंग को देखें दोस्तों तो हमें ये वाला कुछ यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टागॉन बना हुआ है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे 30 mm की और इस साइड पे मैं जाऊंगा 6 mm पे द 20 एंड इंटर। अब आप देखेंगे दोस्तों आर्क में आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्ट इन देन डायरेक्शन, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इन पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड देकर इंटर कर दीजिए। एंड यहाँ से आप
एक्सट्रूड के नीचे क्लिक करेंगे तो आपको रिवॉल्व कमांड दिखाई देगा। उसके पहले दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये इंटर करिए। अब यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कर दीजिए एंड एक्सिस पॉइंट आप इस लाइन को दे दीजिए और एंगल डाल दीजिए दोस्तों 360। यहाँ से यूनियन पे क्लिक कीजिए, इसका आप एक कॉपी यहाँ पे इंटर कर लीजिए एंड इसे रोटेट कर लीजिए। तो इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से 3D रोटेट लीजिए और इस वाले भाग पे, सॉरी इस वाले भाग की साइड पे क्लिक कर दीजिए। ये देख सकते हैं ये आसानी से रोटेट हो गया है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, माउस से राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा और इसके सेंटर पॉइंट से इसे हम रिसीव करेंगे दोस्तों और इस कॉर्नर पॉइंट पे एंड इस कॉर्नर पॉइंट पे और इस कॉर्नर पॉइंट पे इसे हम मूव कर कॉपी कर देंगे एंड ऑर्बिट करके घुमा लीजिए। आपको इसे चारों कॉर्नर पे क्लिक करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसे ऑर्बिट कर लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से आपको दिख जाएगा सब्ट्रैक्ट कमांड, ये देख सकते हैं। तो पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए एंड इंटर कर लीजिए एंड इन चारों को आप सेलेक्ट कीजिए। एंड इंटर प्रेस कर लीजिए, ये देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। सेम दोस्तों इसे आप सेलेक्ट कीजिए एंड माउस से राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पे क्लिक कर लीजिए और सर्किल के सेंटर पॉइंट से इसे रिसीव कीजिए और चार कॉर्नर पे आप इसे कॉपी कर दीजिए। एंड माउस से राइट क्लिक करके इंटर कर लीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे और ये चारों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा जो ड्राइंग है कुछ इस टाइप से बन चुका है एंड इसे हम इरेज कर लेंगे। अब मुझे जो बनाना है दोस्तों, मैं अब बनाऊंगा कूलर, या कि पहले मैं नकल पिन बना लेता हूँ। नकल पिन का जो डायमेंशन है वो दिया है 40 mm, तो इसे बना लेंगे। यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस होगी 20 mm एंड एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस होगी 12.5 डायमीटर दिया है 25, तो हाफ कर देंगे एंड इसे हम प्रेस पुल करेंगे दोस्तों ऊपर की ओर। 85 में 12 को ऐड कर देंगे तो 97 एंड इस वाले को हम प्रेस पुल करेंगे ऊपर की ओर 12 mm पे। सेम दोस्तों हम सर्किल ड्रॉ करेंगे एक 20 रेडियस पे और एक हम 12.5 रेडियस पे और हम प्रेस पुल करेंगे इसे हम 12 mm पे। एंड दोस्तों इस सर्किल की मुझे ये वाली होल बनानी है जिसकी डायमीटर 6 mm है एंड इस एज से जो डिस्टेंस है वो 10 mm है। उसके लिए हम यहाँ से लेफ्ट व्यू पे जाएंगे और लाइन कमांड लेंगे दोस्तों
नीचे की ओर आएंगे 10 mm, इंटर, स्केप एंड 6 डायमीटर यानी कि 3 रेडियस से हम सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। सेम दोस्तों, हम यहाँ से 6 mm पे नीचे की ओर आएंगे और 3 रेडियस की एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे एंड प्रेस पुल कमांड लेंगे। यहाँ से हम आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाएंगे दोस्तों एंड यहाँ से हम प्रेस पुल कमांड लेंगे। इसे प्रेस पुल कर लेंगे एंड यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, इंटर, इस पे क्लिक कीजिए, इंटर। सेम इसे भी आप प्रेस पुल कर लीजिए। एंड यहाँ से सब्सट्रैक्ट कमांड लीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इंटर एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इंटर। अब दोस्तों मुझे ये वाली पिन बनानी है, तो ऊपर की जो डिस्टेंस है डायमीटर है वो 7 mm है और नीचे की जो डायमीटर है 5 mm है और टोटल 45 mm डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से 45 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस साइड पे हम 3.5 जाएंगे दोस्तों एंड अगेन लाइन कमांड लेंगे और इस साइड से हम इस साइड जाएंगे 2.5 mm एंड यहाँ से हम मिला देंगे। अब दोस्तों इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, जे इंटर कीजिए और यहाँ से आप रिवॉल्व कमांड ले लीजिए। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए, एक्सिस लाइन हमारा ये हो जाएगा। एंगल ला देंगे 360, इंटर, ये देख सकते हैं। तो पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं लगभग। अब मुझे करना है असेंबली। असेंबली करने के लिए हम यहाँ से विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, मूव पे क्लिक कर लीजिए। इस सर्किल की इस सेंटर पॉइंट दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें इस वाली सर्किल की सेंटर पॉइंट पे मिलाना है, जो हमारा ये नीचे वाली भाग है, ये देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है इस टाइप से। एंड इसे हम रोटेट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। आप क्या करते हैं कि हम 2D वायरफ्रेम पे क्लिक कर लेते हैं एंड दोस्तों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए यहाँ से और मूव पे क्लिक कर लीजिए। और ये ऊपर वाली सर्किल की सेंटर पॉइंट ये हाईलाइट होगा जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे। ये एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्किल की सेंटर पॉइंट, इस टाइप से कुछ एंड विजुअल स्टाइल के यहाँ से शेप सॉफ्ट दे करके आप देख लीजिए। ये अब दोस्तों मुझे ये वाला चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मूव पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप शेड्स ऑफ ग्रे की जगह पहले आप 2D वायरफ्रेम कर लीजिए। आप सेलेक्ट कीजिए, मूव पे क्लिक कर लीजिए
एंड इसे हम रोटेट कर लेंगे और जूम कर लीजिए। अब दोस्तों इस वाले होल को और इस वाले होल को मिलाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके पहले तो आप यहाँ से 2D वायर फ्रेम कर लीजिए, और ये जैसे 2D वायर फ्रेम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर और मूव पे क्लिक कर लेंगे। अंदर वाले सर्किल को आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से शेड्स ऑफ ग्रे कर लीजिए। एंड देखेंगे हम, ये देख सकते हैं ये हमारा मिल जाएगा। अब दोस्तों इसे हम इस होल पे डालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्बिट कर लेते हैं। इस टाइप से हमने ऑर्बिट कर लिया है और यहाँ से 2D वायर फ्रेम कर लेंगे शेड्स ऑफ ग्रे की जगह में। ये हमारा इस साइड पे आ गया, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और मूव पे क्लिक करेंगे। जिस पॉइंट से दोस्तों आप इसे रिसीव करिए, उसी पॉइंट से आप यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। एंड यहाँ से शेड्स ऑफ ग्रे की जगह आप 2D वायर फ्रेम की जगह शेड्स ऑफ ग्रे कर लीजिए। एंड इसे आप देख सकते हैं। थ्रीडी मूव कर सकते हैं इसे आप। इस टाइप से इस तरह से हमारा ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप कलर देना चाहते हैं दोस्तों, तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, बाय लेयर यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको येलो दे लेता हूँ और विजुअल स्प्राइट को हम यहाँ शेड्स ऑफ ग्रे की जगह रियलिस्टिक कर लीजिए। एंड इसे आप कलर देना चाहते हैं, मैं इसे ब्लू दे देता हूँ। एंड इस पे डबल क्लिक कीजिए, जिसके आप कलर देना चाहते हैं उसी पे आप डबल क्लिक करिए, तो आपका रेडी हो जाएगा। इसका हम कलर जो देंगे वो हम रेड दे देंगे। और यहाँ से यूनियन कमांड लीजिए और सारे कमांड्स को आप एक साथ मर्ज कर दीजिए एंड इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये हमारा नकल जॉइंट है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस तरह से ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।